क्या टिनाइटिस ठीक हो सकता है? आइए सुनते हैं फीडबैक। ईश्वरा मैम, थैंक यू सो मच अपना वीडियो फीडबैक शेयर करने के लिए। मैम, आप कहाँ से हेलो, बिलोंग करते हैं और आपकी उम्र कितनी है? मैं मैडम गुरुग्राम से, ठीक है मेरी 68 मेरी एज है। ठीक है मैम, ये प्रॉब्लम आपको कैसे स्टार्ट हुई और आपने इसके लिए डॉक्टर को कहाँ कहाँ दिखाया? मैंने तो ऐसा था, ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, दिसंबर 2021 में मुझे ये दिक्कत आई थी, तो हाँ ठीक है। मैंने ईएनटी को दिखाया, न्यूरो को दिखाया मैंने, तो मैंने एक और भी ईएनटी को दिखाया, लेकिन मैंने उनकी दवाई खाई, मुझे कहीं भी आराम नहीं आया। ठीक है। फिर मेरा बेटा सिंगापुर रहता है, उसने भी सर्च किया, उसने मुझे कहा कि आप एक बार दिल्ली चले जाओ, डॉक्टर सुपेत्रा के पास चले जाओ। उस टाइम पे मैं डर के मारे भी आपके पास नहीं आ रही थी, मुझे डर लग रहा था। तो फिर मुझे वो गुस्सा करने लगा, कहता है अगर आप नहीं जाओगे तो मैं वहां से आ जाऊंगा, फिर आपको लेके चलूंगा। फिर मैंने कहा वो इतनी दूर से आएगा, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके फिर मैं आपके पास आ गई। तो ठीक है। फिर आपने मुझे एक वो डिवाइस दिया 3 अक्टूबर 2023 को। 23 में स्टार्ट किया है। हाँ जी, उससे मैंने फिर स्टार्ट किया, तो फिर उससे मुझे कुछ ही आराम लगा, क्योंकि मुझे बीच बीच में मेरी बंदे भी हो जाती है, फिर शुरू भी हाँ हो जाती है। हाँ ठीक है। पहले ऐसा था 2 दिन बंद हो गई, फिर 4 दिन बजने लग गई सीटियां। अब 2-3 महीने से ऐसे हो रहा है कि बीच में एक एक हफ्ता मेरी सीटियां नहीं बजती, हाँ उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। अब मुझे 10 दिन हो गए, 9 दिन हो गए हैं, मैं हर महीने ना अपनी एवरेज निकालती रहती हूँ। ठीक है मैम। हर महीने जैसे मेरे मैंने एक डायरी बना रखी है, हाँ उस हाँ डायरी में मैं लिखती रहती थी कि मुझे हर महीने कितनी सीटियां बजी, तो वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है मैम। अब इस महीने का मेरे मेरे पास ये था कि मेरी 17 दिन सीटियां नहीं बजी, तो अभी नहीं 13 दिन तक बजी? वो बजी। ठीक है, तो अभी नहीं आपको फील हो रहा ना टिनाइटिस का आवाज? हाँ, अब तो मैं ना बहुत दिनों से ठीक लगा है भी नहीं रही, ठीक मैं है बिल्कुल मैम। अब मुझे आराम लग रहा है। ठीक है, तो आपको किन किन चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है अभी मैम? सिर्फ इम्प्रूवमेंट ये लगा कि जैसे मैं आपको मालूम, मैंने मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हाँ अगर मैंने वो डिवाइस लगा लिया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आराम नहीं आया। अगर मैं उसको लगा के अगर भी पहले मैं 10 मिनट का टाइम दिया था आपने, फिर मुझे आपने 15 मिनट का टाइम सेट करके ठीक है। दिया, हाँ तो जी अगर मैंने वो डिवाइस लगा रखा है, अगर हल्की सी मुझे अगर नींद आ गई है, तो फिर मेरी सीटियां बजनी बंद हो जाती थी। तो अभी सोने अगर में मुझे दिक्कत? रिलैक्स हाँ हाँ बताइए। दिन में मैंने डिवाइस लगाया और थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई, अगर मेरी वहां पे मुझे हल्की सी भी नींद आ गई, तो हाँ फिर मेरी वो सीटियां आनी बंद हो जाती थी। ठीक है तो फिर मैं ठीक बीच है। बीच में मैं लगाती भी नहीं थी, अब तो मैंने 10 दिन से बिल्कुल मैं डिवाइस लगाया ही नहीं। बाकी मैम, अभी आपसे मैं परसेंटेज में पूछूं, अभी ओवरऑल 100 में से कितना परसेंट आपको बेटर लग रहा है? देखो 50 भी कह सकती हूँ, 75 भी कह सकती हूँ। ठीक है मैम। तो मैम एक लास्ट चीज़, क्या मैं आपका फीडबैक अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकती हूँ बाकी पेशेंट को अवेयरनेस के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। अच्छा है, किसी हाँ को जी रिलैक्स मिल गया है, यस आराम मिल मैम जाएगा, तो अच्छी बात है ना। यस जैसे मुझे मैम। अच्छा लगा, ऐसे कोई और देखेगा उन्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ जी वो ठीक आपके है पास आएंगे फिर वो भी आपके पास आएंगे, जैसे मैं जी, आपके पास बिल्कुल आई मैम थी। बिल्कुल मैम। ठीक हाँ है जी, हाँ मैम, जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। ओके।